जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश देता हूं, बहुत ज्यादा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना आता, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो। अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भर कर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है जहाँ तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। सिंदूरा जो होता है लकड़ी का जो सिंदूरा होता है जिसमें सिंदूर भरा होता है जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है वो बल लकड़ी के सिंदूरे में जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, जरा विचार करना, एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भर कर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर देख लेंगे। मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूजा शिव भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों का अपने सहज दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम वीडियो शेयर कर रहे हूँ कि लकड़ी के सिंदूरा में सिंदूर रखने से कौन सा बल प्राप्त होता है, और सिंदूर कितना भी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, ये आसान से उपाय कर लेने से आपके पति पत्नी में झगड़ा होना दूर हो जाएगा। आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, ढेर सारा प्यार जरूर देना। आप लोग जब ढेर सारा प्यार देते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। चलो आज हम बताते हैं, एक लकड़ी के सिंदूर में इतना बल होता है, लकड़ी में अगर कितना भी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, क्लेश है आपस में, बनती नहीं है, बहुत ज्यादा दुख है, तो आप एक आसान से उपाय करिए। एक सिंदूरा को आप लेके शंकर भगवान की मंदिर में लेके चले जाइए, वहां ले जाके आप शंकर जी के मंदिर में लेके चले जाइए, और शंकर जी के मंदिर में ले जाके पार्वती मैया को टच करा के अपना सिंदूर वो लकड़ी में रखे हो सिंदूरा, सिंदूर को टच करा के उसको ला के फिर विनती करके कि हे माँ पार्वती, हे शिव शक्ति माँ, हे शक्ति मैया, हमारे बीच में बहुत झगड़ा है, हमारी दूरियां कम करें, उनको अच्छे से निवेदन करके उस सिंदूर भरे हुए सिंदूरा को, लकड़ी के सिंदूरा को आप अपने अलमारी में रख दें। अब जब आप अपने अलमारी में जहां आप मेकअप करती हैं, जहां आप श्रृंगार करती हैं, वहां रख दें, और उसके बाद सिंदूर उसे सिंदूर लगाएं, कितना भी आपसी झगड़ा कलेश हो सब दूर हो जाएगा। एक बार ये प्रिडकल करके आप देखें, अगर आप लोगों को सही लगे तो। अब करने में एक प्रिडकल करने में क्या जाता है, तो कितना भी आपसी झगड़ा मन मुटाव कुछ भी हो, ये उपाय आसान सरल उपाय एकदम है। आप लोग प्लीज करके एक बार देखना, जिसकी आपस में बन नहीं रही है तो इसको अपने अच्छे आलमारी में जहां आप मेकअप करती हैं, जहां आप श्रृंगार करती हैं, वहीं पर रखना, और एक मांग हमेशा मांग भरे रहना, भरे या ना भरो लेकिन लाके रख देना अपने आलमारी में, तो इससे आपसी संबंध दूर हो जाएगा, प्यार मोहब्बत बन जाएगी। एक बार ये प्रिडकल करके आप लोग जरूर देखें। ये शिव महापुराण का उपाय है, जैसे कि गौरी शंकर शिव महापुराण का उपाय है, गुरु जी के द्वारा बताया हुआ उपाय है। आप लोगों को अच्छा लगे तो ये उपाय आप लोग जरूर करें। और एक उपाय आपको हम बता रहे हैं कि और दूसरा उपाय है कि सिंदूरा को हमेशा लकड़ी के सिंदूरा में रखना चाहिए। लकड़ी के सिंदूरों में इतना बल होता है उस सिंदूरा में, जैसे कि आगे पहले गुरु जी ने बताया, आपने सुना होगा कि सिंदूरा जो लकड़ी का होता है उसको पार्वती भी कहते हैं, उसको गौरी भी कहते हैं, उसको पार्वती भी कहा जाता है, सती भी कहा गया है उसको, उस सिंदूरा को शिव शक्ति भी कहा गया है, उस सिंदूरा में गौरी भी समर्पित है, मतलब सारी देवियां उसके अंदर समर्पित है। इसीलिए हमेशा लकड़ी के सिंदूरा में सिंदूर रख के सिंदूर से लगाना, जिसमें 64 योगनियों का बल है होता है, लकड़ी के सिंदूरा में 64 योगनी का बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरा में होता है, उस 64 योगनी का बल होता है
जब स्त्री उसको अपने मांग में भरकर निकलती है, कोई माई का लाल नहीं पैदा है कि उस स्त्री को बुरी नजर से देख सके। अगर एक बार इसको आप प्रोटोकॉल करके देखें, अगर आप बाहर कहीं जा रही हैं, अगर आप सिंदूरा में रखा हुआ सिंदूर से आप पूरी मांग भर के निकलती हैं, तो उस सिंदूरा में 64 योगिनियों का बल होता है, किसी माई के लाल नहीं पैदा है जो आपको बुरी नजर से देख सके। एक बार आप लोग हमेशा सिंदूर को, अगर अखंड सुहागन रहना है तो हमेशा लकड़ी के में रखी हुई सिंदूर से सिंदूर लगाना चाहिए, इससे स्वभाव अखंड रहता है, पति की लंबी उम्र होती है, आपसी संबंध बने रहते हैं। अभर हमेशा मांग में भर के सिंदूर लगाना चाहिए, इससे पति की लंबी उम्र बढ़ती है। आप लोगों को अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, जिससे कि हमको भी मालूम पड़ जाए कि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आप लोगों के लिए एक से नए नए वीडियो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है जरूर ढेर सारा प्यार सहयोग जरूर बनाए रखना। ये सब उपाय शिव महापुराण गौरी शंकर शिव महापुराण से प्रज्वलित हैं, आप लोग जाके आप देख भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग ढेर सारा प्यार जरूर देना, ऐसे आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। तो अगर ऐसे जुड़े रहना, हम फिर आपको मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, हम महादेव से यही कामना करते हैं। महादेव जहाँ जो हो सबकी सुखी हो, सबकी जिंदगी में सुख समृद्धि हो, धन वैभव हो, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, जो रहे सब स्वभाव अखंड सौभाग्यवती रहे। मैं माँ पार्वती से यही विनती करती हूँ। तब तक के लिए मैं राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय।